जय करवा चौथ माता। जो लोग करवा चौथ व्रत हैं उनको हैप्पी करवा चौथ, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी हैप्पी रहे ज़िंदगी। ज़िंदगी में सबके लिए अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करके ही जाना है। तो ज़िंदगी में आए हैं तो किसी को हंसा करके, किसी को अपने ज्ञान की बातें बताना ही ज़िंदगी का एक उपदेश होता है, एक ज़िंदगी का आगमन होता है। अगर आपको कुछ ज्ञान की बातें पता तो किसी न किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ में बस खुश रहिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी को परेशान मत करिए, कोई सोता हुआ इंसान को जगाइए मत कि तंग करके उसको जगाना स्टार्ट कर गया, उसको परेशान करना स्टार्ट किया, ऐसा भूल करके भी मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। बाकी कोई भी व्रत हो एक ही तरह ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को खुश रहना चाहिए। बस आप खुश तो ज़िंदगी में सब कुछ खुशहाल ही रहना चाहिए। तो बस करवा चौथ माता का यही एक ज्ञान भरा एक उपदेश था मेरा, मैंने सोचा आप सबसे के साथ शेयर कर दूं। जो लड़कियां कुंवारी हैं शादी से पहले रह रही है करवा चौथ, वो सारी सामग्री चढ़ा सकती हैं सिंदूर को छोड़ करके। और जैसे हर भगवान की पूजा करते हैं फल फ्रूट माला मिठाई ऐसे आरती दिया, ये सब भगवान का इनका भी करना है। करवा चौथ माता की किताब ला के पढ़ना है। जो लोग नहीं पढ़ सकते वो आस पड़ोस के किसी पढ़े हुए इंसान से ला करके किताब को पढ़वाएं या सुने, आप ज़रूर सुने दिया जला करके। बस यही मेरी इच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी की ज़िंदगी सुखदमय हो। पूरे देश में जो लोग भी हैं, धरती पे जो लोग भी हैं, चाहे वो किसी राज्य के हों किसी देश के, कोई लेना देना नहीं है, पर वो खुश रहें। पूजा का मतलब ही होता है खुश रहना। तो आप भी हैप्पी रहिए और ज़िंदगी में सब लोग को हैप्पी करिए। बोलो करवा चौथ माता की जय। पूजा इसी तरह देखते रहिए, आपको पूरा विधि मिलेगा। करवा चौथ माता की आरती भी करनी है। जय करवा चौथ माता मैया, जय करवा चौथ माता, सबको सुख शांति देती रहे माता, जीवन में सबको खुशियाँ। ओम जय करवा चौथ माता, ओम गणपताय नमः।
दोस्तों करवा चौथ में करवा चौथ की किताब ला करके आप पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं तो जो इंसान आजू बाजू में हो पढ़ने वाला उसको बुला करके कथा को संपूर्ण करने के लिए व्रत की पूरा कहानी को पढ़ें और दिया से उनका आरती उतारिए करवा चौथ माता का, फिर चंद देव भगवान दर्शन करिए और आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। जो कुंवारी लड़कियाँ व्रत करती वो भी कथा को जरूर पढ़ें और सुने। उसके अलावा वो सिंदूर छोड़ के बाकी सारी सामग्री वो चढ़ा सकती हैं। तो बोलिए करवा चौथ माता की जय।